वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉग लवर खुशबू में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तीन डॉग्स को मैं खाना खिलाती हूँ, उनमें से जो सबसे छोटा वाला डॉग है उसको कुछ टिक्स की दिक्कत हो गई है और उसके बॉडी पे थोड़े रेड पैचेस भी आ गए हैं, तो उसके लिए मैं एक रेमेडी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी इस रेमेडी को शेयर करूं। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ नीम के पत्ते लाने। चलिए चलते हैं नीम के पत्ते लाने। आपको जो है ये सामने नीम का पेड़ दिख रहा होगा, यहीं से हमें नीम के पत्ते तोड़ने हैं जो उस रेमेडी को बनाने में इस्तेमाल होने वाले हैं। चलिए चलते हैं। ये जो नीम का पेड़ है खेत में है, तो मैं अब नीम की पत्तियां जो है वो तोड़ चुकी हूँ, अभी मैं घर जा रही हूँ। चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, आपको अपने घर के आस जहाँ मैं नीम तोड़ के पत्तियां तोड़ने आई थी, मैं वहाँ का व्यू आपको दिखा देती हूँ। कितना अच्छा मौसम है, अभी हम घर चल रहे हैं। सबसे पहले हम घर चलकर इन नीम के पत्तों को धो लेते हैं, फिर मिलते हैं। मैंने नीम के पत्तों को धो लिया है, अब मैं इसे क्रश करने जा रही हूँ। ये रहे नीम के पत्ते और मैं इसे क्रश कर रही हूँ। पत्ते हैं वो क्रश हो चुके हैं, अभी ये चलते हैं नारियल के तेल में थोड़ी देर के लिए उबाल लें। सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल डालेंगे। अब उसे गैस पे गर्म होने के लिए रखेंगे। मैंने इन्हें गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इनमें ये थोड़ा गर्म हो जाए तो हम अपने क्रश किए हुए नीम के पत्ते डालेंगे। हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है, अब हम उनमें क्रश किए हुए नीम के पत्तियों को डालेंगे और थोड़ी देर इसे इसी में छोड़ेंगे। अभी जो हमारी रेमेडी है वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हम इन्हें किसी बर्तन में, ये देखिए रेमेडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, अब हम इन्हें किसी बर्तन में छान लेते हैं। मेरे पास ये कप है, ये कप यूज में नहीं आता है तो मैं इसी में छान लेती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे जिस डॉग पे लगाना है वो ये है। आप देख सकते हैं कि इसके बॉडी पे ये आपको रेड रेड पूरे मार्क्स दिख रहे होंगे, और ये केवल पैचेस पे ही, आपको ये सब छोटे छोटे दाने पे ही नहीं बल्कि आप इसके हेयर पे भी ये
ये जो है जो रेमेडी है इसके हेयर पे भी काफ़ी काम आएगा। और जिन डॉग्स को रेडनेस के कारण उनके बाल झड़ गए हों, वहाँ पे बाल नहीं उग रहे हैं, उनके लिए भी ये भी काफ़ी लाभदायक है, आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने जा रही हूँ। मैं अभी केवल इसके जो छोटे छोटे दाने निकले हैं केवल इसी पे अप्लाई की हूँ, हेयर पे भी अप्लाई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।